ओके चल बच्चों एवरीथिंग इज देयर ऑन योर स्क्रीन आई होप एवरीबॉडी कैन सी इट क्लियरली एंड कैन हियर माय वॉइस क्लियरली देयर इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स द टेक्स्ट पार्ट ऑन योर राइट एंड द क्वेश्चन बैंक इज ऑन योर लेफ्ट ठीक है सो वील एज पर आवर यूजुअल मेथड व्हाट वी विल डू इज वी विल गो क्वेश्चन बाय क्वेश्चन and we'll discuss the concepts as well as the answers okay I hope everybody is familiar with that sabko to ye pata hi hai already okay great so for those of you who don't know ki bhai coordination compounds hote kya pehle hum wahan se shuru karte hain sabse pehle theek hai na hum wahan se basic jaise hum log hamesha karte hain we will start with the basic idea ki aapke paas coordination chemistry mein coordination compound actually what are they how do you identify them is this theek hai to pehla ye baat kar lete hain apan ki coordination compounds kya to aap logo ko simple bhasha mein kya samajhna hai kaise samajhna hai coordination compounds wo hote hain jisme coordinate bond hota hai coordination compound वो होते हैं जिसमें क्या होता है कौन से टाइप का बॉन्ड होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है जो लोन पेयर डोनेट करने की वजह से बना है फॉर्म्ड बाय डोनेशन ऑफ लोन पेयर आई एम गिविंग यू अ वेरी सिंपलिस्टिक आइडिया ओके वेरी सिंपल फॉर्म में मैं आपको आइडिया दे जो बॉन्ड लोन पेयर डोनेट करने की वजह से बना वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है सिंपल ये भाषा समझ में आ गई सबको है ना ओके अब दूसरा चीज ये समझना है कि भाई ये लोन पेयर कौन डोनेट करेगा और कौन रिसीव करेगा है कि नहीं तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक पार्ट होता है जिसको हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स क्या कहते हैं कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लेक्स को आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे बच्चों कॉम्प्लेक्स को आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा होगा ना वो कॉम्प्लेक्स क्या होगा जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा होगा वो कॉम्प्लेक्स बात समझ में आई इतना सिंपल स्क्वायर ब्रैकेट देख लीजिए स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा होगा वो कॉम्प्लेक्स हाँ बस इसके ज्यादा आगे पीछे सवाल करने ही नहीं है स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है कॉम्प्लेक्स जैसे कि ये देखो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है कॉम्प्लेक्स देखो ये स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है कॉम्प्लेक्स दिख रहा है ये मतलब मैं इस लेवल पे जाके समझा रहा हूँ कि कोई एकदम खत्म है बच्चा जिसको कुछ आइडिया ही नहीं उसको भी समझे अच्छा स्क्वायर ब्रैकेट दिखा तो मुझे समझ लेना है कि मेरे को कॉम्प्लेक्स बताना है समझ में आ रही बात देखो स्क्वायर ब्रैकेट है कॉम्प्लेक्स दिख रहा है सबको आपके स्क्रीन पे यस तो कॉम्प्लेक्स आपने देख लिया कॉम्प्लेक्स के दो हिस्से होते हैं एक जो लोन पेयर डोनेट कर रहा है दूसरा जो लोन पेयर रिसीव कर रहा है सीधी बात है तो कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड ऑफ टू पार्ट्स complex is formed of two parts ek hota hai cma kya hota hai cma yani ki central metal atom kya hota hai central metal atom or ion bol sakte matlab ki center mein ek metal ka atom hai ya ion hai center mein beech mein kya rahega ek metal ka atom rahega ya to fir ion rahega ठीक है जैसे कि अगेन यहां देख लो तो यहां पर आयन है आपके सेंटर में यहाँ पे कोबाल्ट है यहाँ पर एल्यूमिनियम है देख रहे हो तो आपके पास एक सेंटर में क्या है मेटल का आयन समझ में आ रहा है ठीक उसके अलावा जो दूसरा पार्ट है वो है लाइगेंड दूसरा पार्ट क्या है लाइगेंड दूसरा पार्ट क्या है बच्चों लाइगेंड ठीक है फिर से देखो पहला पार्ट क्या है सेंट्रल मेटल एटम पहला पार्ट क्या है सेंट्रल मेटल एटम दूसरा पार्ट क्या है आपका लाइगेंड दूसरा पार्ट क्या है लाइगेंड ठीक है अब समझो बात को ध्यान से समझ कॉम्प्लेक्स को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट दे कॉम्प्लेक्स के दो पार्ट है सीएमए और सीएमआई और लिगेंड अच्छा इसको बहुत लोग लिगेंड लिगेंड भी बोलते हैं आपने सुना होगा लिगेंड ठीक है जो एक्चुअली सही है लिगेंड होता है इंग्लिश में बट लिगेंड
केमिस्ट्री वालों ने इसको लिगेंड बना दिया। ठीक है, केमिस्ट्री वाले वही बोल। अब ये जो सेंट्रल मेटल एटम है, ये हमारा लोन पेयर एक्सेप्टर है। क्या है हमारा लोन पेयर एक्सेप्टर? क्या है हमारा ये लोन पेयर एक्सेप्टर है। और लाइगेंड जो है हमारा, ये हमारा लोन पेयर डोनर है। क्या है ये हमारा लोन पेयर डोनर। तो आप मुझे अब एक बहुत सिंपल सिंपल चीज बताओ, जैसे FeCN6 में मेरा एक्सेप्टर कौन? आयन। मेरा डोनर कौन? साइनाइड। 6 साइनाइड मिलकर आयन को डोनर। सिर्फ ऐसे देखना आपको। अच्छा, CONH3 में मेरा एक्सेप्टर कौन? कोबाल्ट। मेरा डोनर कौन? अमोनिया। ऐसे देखना, बहुत सिंपल। AL6 में मेरा एक्सेप्टर कौन? एल्यूमिनियम। मेरा डोनर कौन? फ्लोरीन। CONH3 वापस मेरा एक्सेप्टर कौन? CO। मेरा डोनर कौन? NH। इस तरह से देखना है, बहुत सिंपल। बोलो हाँ की क्लैरिटी आ गई दिमाग में? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आखिर हम पढ़ क्या है? अगर ये क्लैरिटी आ गई तो बाकी बहुत सिंपल और इजी लगेगा। यही चीज, बेसिक चीज ही नहीं समझ में आती। ये क्लियर हुआ कि हम क्या पढ़ रहे हैं? हम कॉम्प्लेक्सेस के बारे में पढ़ रहे हैं। कॉम्प्लेक्स में क्या होगा? एक डोनर होगा, एक एक्सेप्टर होगा। ठीक है, क्या डोनेट होने वाला है? लोन पे। क्या एक्सेप्ट होने वाला है? लोन पे। एक्सेप्ट कौन करेगा? सेंटर में जो मेटल का एटम है वो एक्सेप्ट। डोनेट कौन करेगा? जो एटम के बाजू में लगे हुए लाइगेंड है वो डोनेट। यहां तक क्लियर है सभी बच्चों को, है ना? लाइगेंड में यहां पर डी है तो ये डोनर है, ऐसे याद रखना सब। ठीक है, और मेटल एटम में ए है तो ये एक्सेप्टर है। इससे ज्यादा आसान नहीं हो सकता। तो अगर आप देखेंगे अब, ठीक है, अब आप देखेंगे तो डायरेक्टली उन्होंने आपका जो चैप्टर है वो चालू किया है टाइप्स ऑफ लाइगेंड्स। चैप्टर कहां से चालू किया देखो, सीधा इंट्रोडक्शन तो फालतू है, ठीक है, सीधा चैप्टर चालू किया है टाइप्स ऑफ लाइगेंड्स। यहाँ पर जो आपके क्वेश्चन बैंक में आपको क्वेश्चंस दिख रहे हैं काफी सारे बच्चों, उसमें FeCN6 है, उसमें CONH3 है, वगैरह वगैरह बहुत सारे आपको क्वेश्चंस दिख रहे हैं। ठीक है, ओके, एंड आई जस्ट चेक द डिलीटेड पार्ट आल्सो बिफोर, अदरवाइज आई यूजुअली फॉरगेट पार्ट। तो टाइप्स ऑफ लाइगेंड से उन्होंने आपकी ये शुरुआत की। ठीक है, टाइप्स ऑफ लाइगेंड, तो पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेते कि भाई टाइप्स ऑफ लाइगेंड क्या क्या है और उसके ऊपर हमारे कौन से क्वेश्चन किस तरह के आते हैं। अगर आप देखो आपके क्वेश्चन बैंक में, तो उन्होंने आपको एग्जांपल ऑफ बाइडेंटेड एम्बिडेंटेड लाइगेंड पूछ लिया, उन्होंने क्लासिफिकेशन ऑफ लाइगेंड पूछ लिया है ना, डिफाइन लाइगेंड पूछा है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आपके लाइगेंड्स के टाइप्स पे आए हुए हैं। तो हम लोग उसके बारे में डिटेल में बात। ठीक है बच्चों, डेफिनेशन देख लो यहां पर आपके बुक में, मैं आपको सीधा सीधा मार्क करके दे रहा हूं। द स्पीशीज दैट सराउंड्स द सेंट्रल मेटल एटम और आयन्स इज कॉल्ड लाइगेंड। मिला? ठीक है, जो सेंट्रल मेटल एटम के बाजू में स्पीशीज होगी उसको हम क्या बोलेंगे? लाइगेंड बोलेंगे। एंड दे आर लिंक टू द सेंट्रल मेटल एटम थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये तो बता दिया ना, लाइगेंड और मेटल के बीच में क्या है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ऑब्वियसली, है कि नहीं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे दिखाना है? एरो से। तो लाइगेंड क्या होता है? जो सेंट्रल मेटल एटम के बाजू में होता है वो लाइगेंड। ये क्लियर हुआ। अब इसके टाइप्स की बात, टाइप्स का आंसर मार्क करके, जैसा मैंने कहा ये टेक्स्ट बैंक में भी है, क्वेश्चन बैंक में भी है, ध्यान से देखिए।
टाइप्स ऑफ लाइगेंड. पहली बात, इसको हम लोग मोनोडेंटेट या पॉलीडेंटेट लाइगेंड बोल सकते हैं. क्या बोल सकते हैं? मोनोडेंटेट और पॉलीडेंटेट लाइगेंड. आई जस्ट शिफ्ट माय सो मोनोडेंटेट एंड पॉलीडेंटेट. अभी मोनोडेंटेट बोले तो क्या है, चेक करो. मोनोडेंटेट बोले तो क्या है, जिसमें सिर्फ एक ही डोनर एटम हो, जिस लाइगेंड में एक ही डोनर एटम हो. आप ध्यान से देखें, मोनोडेंटेट मतलब सिंगल डोनर एटम, जैसे कि Cl माइनस, OH माइनस, Cn माइनस, ये सब क्या है? मोनोडेंटेट लाइगेंड. एक ही डोनर एटम हो और वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर यानी लोन पेयर डोनेट करेगा, ठीक है. पॉलीडेंटेट में क्या होता है? बाइडेंटेट भी हो सकते हैं, ट्राइडेंटेट मतलब तीन लोन, तीन एटम्स भी हो सकते हैं, हेक्साडेंटेट भी हो सकते हैं, दो तीन चार पांच छह, कितने भी एटम्स हो सकते हैं जो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करें. तो अगेन आई विल सिंपलीफाई दिस टू यू. अगर आप देखो तो लाइगेंड्स जो होते हैं, नंबर ऑफ लोन पेयर्स के हिसाब से अगर मैं क्लासिफाई करूं तो उनको मैं बोलूंगा मोनोडेंटेट या पॉलीडेंटेट. क्या बोलूंगा? मोनोडेंटेट या पॉली. मोनोडेंटेट में केवल एक ही डोनर एटम होगा, सिंगल डोनर एटम. पॉलीडेंटेट में क्या होगा? मल्टीपल, मतलब एक से ज्यादा हो. वो दो हो सकते हैं, वो तीन हो सकते हैं, वो चार हो सकते हैं, वो छह भी हो सकते हैं. अब आपकी बुक में एग्जांपल कौन सी है? आपको मैक्सिमम छह, आठ भी होते हैं, बट ठीक है आपके सिलेबस के हिसाब से मैक्सिमम. अगर आप देखें ईडीटी आपको एग्जांपल दिया छह. एक कॉमन सेंस की बात यूज करो, साइनाइड में नाइट्रोजन दे रहा है लोन पे, OH में ऑक्सीजन दे रहा है लोन पे, क्लोरीन में तो क्लोरीन अकेला वही लोन पे है. अच्छा ये सब का छोड़ो, मैं तुमको इससे भी आसान एग्जाम्पल देता हूँ. तुमको अगर मैं बोलूँ NH3 क्या है, ये अमोनिया है बच्चों. NH3 क्या है? अमोनिया है. अमोनिया में लोन पेयर देने वाला एटम कौन है? हाइड्रोजन है क्या? नहीं, ऑफ कोर्स नाइट्रोजन. तो कितने ऐसे एटम है अमोनिया के पास जो लोन पेयर दे रहे हैं? एक. तो अमोनिया किस कैटेगरी में डालोगे? मोनोडेंटेट. समझा कि नहीं? कितना ईजी है, कितना ईजी है, समझ रहे? ऐसे देखना कि किसी लाइगेंड के पास में लोन पेयर देने वाले कितने एटम है. क्लियर हुआ ये सबको? क्लियर है? बहुत आसान, ठीक है, बहुत आसान. तो यहां पर लोन पेयर देने वाले कितने एटम है? एक है, तो मोनोडेंट. अगर दो एटम दिख रहे हैं, जैसे कि इथिलीन डायमाइन, नाम देख लो, इथिलीन डायमाइन, नाम से ही पता चल गया CH2 इथिलीन था, उसका डबल बॉन्ड जो पाई बॉन्ड था उसको ब्रेक करके दो अमाइन ग्रुप लगा दिए, देखो NH2 NH2. दो नाइट्रोजन आइटम है, दोनों अपने अपने लोन पेयर देंगे, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? बाइडेंटेट बोलूंगा. कितना इजी, बाइडेंटेट. वो पॉली के अंदर आ गया, बाइडेंटेट इज अ टाइप ऑफ पॉली ओनली. और एक एग्जांपल उन्होंने बहुत प्यारा दिया आपको, इथिलीन डायमाइन टेट्राएसिटेट, EDTA, नाम बहुत बड़ा है, नाम बहुत बड़ा है, इथिलीन डायमाइन टेट्राएसिटेट, नाम बहुत बड़ा है, ठीक है. पर इसमें आपको नाम के ऊपर फोकस नहीं करना है, आपको स्ट्रक्चर में समझा देता हूँ. बहुत इजी स्ट्रक्चर है, क्योंकि देखने में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है बच्चों. पहले देख लो इथिलीन, नाम देख लो क्या है, इथिलीन डायमाइन टेट्राएसिटेट, मतलब इथिलीन डायमाइन है और उसमें चार एसिटेट ग्रुप लगाए. अब तुम लोगों को मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड में एसिटिक एसिड पढ़ाया था, और अगर एसिटेट ग्रुप याद नहीं है तो फिर मैंने क्या बताया था? चुल्लू भर पानी लेने का, और है ना, देखो एसिटेट तो याद होना चाहिए, कम ऑन. तो देखो CH2 CH2, अगर इथिलीन ग्रुप होता तो मैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिखता, बोलो हाँ. अच्छा इसमें बॉन्ड बनाने तो मैं एक पाई बॉन्ड ब्रेक करूंगा, तो इथिलीन डायमाइन का मैंने CH2 CH2 लिखा. डायमाइन मतलब एक एन और एक है. अभी आप बोलोगे अमाइन मतलब NH2 होता है, हाँ. और हाइड्रोजन रिप्लेसेबल होता है बच्चों, हाइड्रोजन रिप्लेसेबल होता है, तो इसके दोनों हाइड्रोजन रिप्लेस किए, इसके दोनों हाइड्रोजन रिप्लेस किए, किससे? एसिटेट ग्रुप से. किससे रिप्लेस किए? एसिटेट ग्रुप से. देख लो CH3COO- होता है ना एसिटेट, तो उसका एक हाइड्रोजन हटा के यहाँ पर बॉन्ड बनाया CH2CO, फिर CH2
COO- फिर CH2 COO. तो ये जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स दिखता है वो एक्चुअली है नहीं, बहुत सिंपल चीज है. नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ऑक्सीजन 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 के पास लोन पेयर है नाइट्रोजन. अब कुछ बच्चे ये आर्ग्यूमेंट करने आते हैं, सर ये ऑक्सीजन के पास भी तो दो लोन पेयर है, कितने अवेलेबल है वो नहीं गिनना है, कितने वो डोनेट कर सकता है वो गिनना है. और यहाँ पर ये 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ही डोनेट हो सकते. तो ये हेक्साडेसिमल. मैं जो मार्क करूं आपको दिख रहा है? कोई फर्क नहीं पड़ता. और ये दिस यू कैन सी द डॉट ऑन माय स्क्रीन, कैन यू सी द स्मॉल डॉट? आई कैन नॉट इंक्रीज द साइज ऑफ इट, देयर इज नो ऑप्शन. सो यहां देखना, एंड एनीवे यू कैन सी दिस ना, जस्ट हॉवरिंग बिलो माय नेम. So why do you need a cursor? Chalo. So whenever we have this 6 donors, so we'll call it hexadentate ligand. जिसका अच्छा सा example आपको दिया है EDTA, नाम से बहुत ही आसानी से आप structure बना सकते हो, ethylene diamine tetraacetate. ये आपके MCQ point of view से बहुत important question है कि भाई ethylene diamine जो है, ethylene EDTA जो है वो क्या बोलते हैं, कौन से टाइप का लाइगेंड है, मोनो बाय ट्राई डाई जो भी है, आंसर है हेक्साडेंट. ठीक है, पॉलीडेंटेट का सबसे अच्छा एग्जांपल. तीसरी एक यूनिक वैरायटी आती है जिसको हम कहते हैं एम्बीडेंटेट. नाउ इस चैप्टर से एम्बीडेंटेट बोल सकते हो आप, ये श्योर क्वेश्चन है. या तो एम्बीडेंटेट पे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि भाई वो क्या होता है डिफाइन विद एग्जाम्पल, या आपको इससे रिलेटेड वो कोई क्वेश्चन एमसीक्यू में या नॉमेनक्लेचर में जरूर देख लेना. ठीक है, एम्बीडेंटेट लाइगेंड. एम्बी, द वर्ड एम्बी, एम्फीबियन मतलब जो पानी में और जमीन पे रहता है, एम्फी है ना, जैसे एम्बीडेक्स्ट्रस भी हम लोग बोलते हैं, तो जो दोनों हाथ से काम कर सकते हो एम्बी. तो एम्बी का मतलब तो सीधा सीधा पता है कि भाई दो साइड से या दो तरीके से. तो यहां पर अगर आप देखेंगे एम्बीडेंटेट का मतलब बहुत ही आसान है, जो दोनों साइड से बॉन्डिंग कर सकते, क्या कर सके, जो दोनों साइड से बॉन्डिंग कर सके वो एम्बीडेंटेट है. चलो देख लो, द लाइगेंड इन विच टू डोनर एटम्स आर प्रेजेंट बट विच यूज द इलेक्ट्रॉन ऑफ आइदर, क्या वो दोनों को साथ में यूज करता है? अगर दोनों को साथ में यूज करता तो बाइडेंटेट हो जाता, लॉजिकली सोचो, बोलो हाँ कि ना. दोनों को साथ में यूज नहीं करता, तुमको भगवान ने दो हाथ दिए राइट या लेफ्ट, पर तुम एक टाइम पे एक हाथ से लिखो या ऐसा तुम्हारा जनरल एक तरीका होता ना, एक हाथ से काम करो, दोनों से साथ में बताओ राइट. आई नो देयर आर इडियट्स विल कम एंड आर्ग्यू विद मी, नहीं सर हम लोग दो हाथ से काम करते, तुम करो कोई बात. व्हाट आई मीन टू से, आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट, इफ यू हैव टू एटम्स टुगेदर, बोथ आर केपेबल ऑफ गिविंग, बोथ आर केपेबल ऑफ गिविंग लोन पे और इलेक्ट्रॉन पे, बट एक टाइम पे एक ही दे, या तो ये ऐसे, इसको हम कहते हैं एम्बीडेंट. दोनों साइड से पॉसिबल है बट एक साइड से ही लिंकेज होगा. सबसे अच्छा एग्जांपल इसका है NO2. NO2 में मेटल का नाइट्रोजन के साथ भी बॉन्ड हो सकता है, मेटल का ऑक्सीजन के साथ भी बॉन्ड हो सकता है, दिख रहा है? तो इसीलिए तो इसको मैं NO2 को ONO भी लिख सकता हूं ना. NO2 को या तो मैं NO2 लिख सकता हूं या तो मैं ONO लिख सकता हूं. अगर NO2 लिख रहा हूं मतलब नाइट्रोजन के साइड से बॉन्डिंग हुई है, और ONO लिख रहा हूं मतलब ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग. समझ में आ रहा है? सबको समझाइए, क्लियर है? और एक एग्जांपल है SCN, मतलब मेटल विथ सल्फर या मेटल विथ नाइट्रोजन, ये भी पॉसिबिलिटी है बॉस. ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटी. तो अगेन आपका एमसी इसमें क्वेश्चन बैंक का एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन आपका यहाँ पर सॉल्व हो जाता है कि भाई राइट क्लासिफिकेशन ऑफ लाइगेंड्स विद एग्जांपल ऑफ ईच टाइप, अगर आप देखोगे तो ये हो गया आपका आंसर हमारा यहाँ पर कि भाई क्या क्या होते हैं, मोनोडेंटेड पॉलीडेंटेड हो सकते हैं या फिर एम्बीडेंटेड. समझ में आ रही है बात?
और एग्जाम्पल ऑफ बाइडेंटेड एम्बिडेंटेड भी होता है, देखिए क्लियर, समझ में आ रहा है सभी बच्चों को आई होप सो। तो एम्बिडेंटेट में टू डोनर एटम्स बट एनी वन फॉर्म्स द लिंक फॉर्म्स द बॉन्ड, ठीक है, ऐसा करते सिंपल सिंपल भाषा में एग्जाम्पल। आपके सिलेबस में तीन ही एग्जाम्पल है और एक तो आप हजार बार कर चुके, साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड, ये तो बहुत बार कर चुके हम लोग, या तो कार्बन की तरफ से बनाओ या नाइट्रोजन की तरफ से बनाओ, हाँ कि ना। दूसरा हमारा NO2 अभी बताया एंड ONO, और तीसरा हमारा SCN एंड NCS, एकदम बहुत आसान, समझ लो, ठीक है, ये हो गए हमारे एम्बिडेंटेड लाइगेंड्स। उसके अलावा हम लोग चाहे तो लाइगेंड्स को चार्ज पे भी क्लासिफाई कर सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल, तो ये तो बहुत ही आसान है। अगर मैं अमोनिया आपको लिख के दू NH2 तो आप बोलोगे न्यूट्रल, वाटर लिख के दो H2O तो आप बोलोगे न्यूट्रल, CN माइनस साइनाइड माइनस लिख के दो तो आप बोलोगे क्या चार्ज कैसा है, नेगेटिव लाइगेंड, तो ये तो बहुत सिंपल है, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, ठीक है ना। तो आपको सिंपल इस तरह से याद रखना कि भाई लाइगेंड क्या होता है, सराउंडिंग होता है मेटल एटम के, वो ठीक है, डोनर होता है, हाँ वो भी ठीक है, कैसे टाइप का होता है, मोनोडेंटेड पॉलीडेंटेड होता है, ओके, कितने उसके पास लोन पेयर डोनर है उसके ऊपर डिपेंड करता है, और अगर दोनों साइड से बॉन्डिंग कर सके तो एम्बिडेंट, क्लियर। चलो उसके बाद हम लोग आते हैं डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन बॉन्ड दिख रहा है सबको स्क्रीन पे प्रॉपरली, डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। नाउ वन इंपॉर्टेंट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, I don't think that you are the elder. Because they included in your question. चलो कोई बात, डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में फर्क क्या है समझे, बहुत सिंपल है यार, और ये आंसर आपकी क्वेश्चन बैंक में दिया नहीं हुआ बच्चों, ध्यान से देख लेना जरा, गड़बड़ नहीं करना इसे, सर इसका आंसर आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिया। डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन में फर्क कहां पर है जरा समझो, डबल सॉल्ट ये कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है, ये क्या हो जाता है, कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स ये इजीली आयोनाइज नहीं होता। एक एग्जांपल देता हूं बहुत आसानी से समझ में आएगा, आप लोगों को मैंने एलम के बारे में बताया था या डबल सॉल्ट मोर सॉल्ट के बारे में भी मैंने बताया था, एक एग्जांपल फेरस अमोनियम सल्फेट है ना, और ये कहा था कि आप लोग अपने प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में यूज करो, है ना। तो देखो यहाँ पर मैं आपको एक और एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ, जैसे कि K2SO4 डॉट Al2SO4 थ्राइस पोटेशियम सल्फेट एल्यूमिनियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट एंड एल्यूमिनियम, इसको आप लोग एलम के नाम से जानते हो, फिटकरी एलम के नाम से जानते हो, पोटेश एलम। अच्छा इसका अगर मैं आयोनाइजेशन करूं, क्या करूं मैं इसका आयोनाइजेशन, मतलब इसको आयोनाइज करूं तो इसके मेटल के सॉल्ट्स अलग हो जाएंगे, 2+ पोटेशियम, Al3+ यानी कि एल्यूमिनियम, और सल्फेट, इसका एक सल्फेट, इसका तीन सल्फेट, मतलब चार इसके सल्फेट। तो क्या देखा आपने
कि हर एक आयन कंप्लीटली अलग अलग हो गया, क्लियर, हर एक आयन कंप्लीटली अलग अलग हो गया। पर ध्यान से देखो, सपोज मैं आपको बोलू K4FeCN6 है मेरे पास, क्या है K4FeCN6, आपने स्क्वायर ब्रैकेट देखा, नोटिस किया आप लोगों ने बच्चों स्क्वायर ब्रैकेट, तो यहां पर क्या है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, दिख रहा है सबको, सीधी बात है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, दिख रहा है आपने को बस। अच्छा, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है K4FeCN6, जब इसको मैं आयोनाइज करने जाऊंगा तो मेरे पास 4K+FeCN6 द होल थिंग, जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो 4-। क्या नोटिस किया आपने कि मैंने आयन और साइनाइड को अलग नहीं किया, यहां पर मैंने हर एक को अलग कर दिया था, सल्फेट को अलग, एल्यूमिनियम को अलग, पोटेशियम को अलग, समझ में आया, बोलो हाँ। तो जो कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट था, जो स्क्वायर वाला, स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट था, क्या मैंने उसे अलग किया, क्या मैंने उसे डिसोसिएट किया, क्या मैंने उसे आयोनाइज किया, आंसर है नो। आई होप दैट इज क्लियर, कंप्लीटली क्लियर, यस बच्चों, है ना, इस तरह से देखना है आपको, इस तरह से, ठीक है, एग्जाम्पल के साथ देखना, ओके। दूसरी चीज डबल सॉल्ट जो है उसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं होता, उसमें आयोनिक बॉन्ड्स होते हैं और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, जैसे यहां पर आपको पता है 10H2O, 24H2O वाले वेरिएंट्स भी आते हैं अलग अलग। डबल सॉल्ट में क्या होता है बच्चों, डबल सॉल्ट में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अभी फिलहाल अपने पास इतना स्कोप नहीं कि हम उसमें जाए, टू बी ऑनेस्ट, है ना, बिकॉज अभी अपन इसको जल्दी खत्म करने के इसमें है, ठीक है, तो विल नॉट गो इनटू दैट, यस, इन मे बी इन लेटर थिंग्स आई विल एक्सप्लेन टू यू व्हाट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज एंड हाउ इट इज रिलेवेंट, बट फिलहाल के लिए समझ लो इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, जो अपन अलग से डॉट करके लिखते हैं वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है, मॉलिक्यूल के बाद वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है, इसमें जनरली आपको नहीं मिलता, ठीक है, इसमें जनरली नॉट प्रेजेंट होता है। तो मेजर डिफरेंस आपका ये आयोनाइजेशन वाला, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, उसके अलावा छोटे छोटे डिफरेंसेस है, जैसे डबल सॉल्ट को आपके सॉल्ट एनालिसिस में यूज किया जाता है, आप कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स को ज्यादा यूज नहीं कर सकते, और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स को आपके डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट में, मैंने आप लोगों को अमोनियाकल सिल्वर नाइट्रेट एज टोलेंस रिएजेंट सिखाया था, सिल्वर मिरर टेस्ट एल्डिहाइड्स कीटोन्स, यहाँ पर सिल्वर मिरर बन जाता है, ये सबको याद है बच्चों को, राइट, सिल्वर मिरर टेस्ट में मैंने आप लोगों को सिखाया था एल्डिहाइड्स कीटोन्स में कि भाई एल्डिहाइड ये टेस्ट देते हैं, कीटोन ये टेस्ट नहीं देते, तो डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट था, तो हम लोग वहां पर उसको यूज करें, ठीक है ना। तो मेजर डिफरेंस आपका जो है डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के बीच में आपको समझ, खैर ये दिया हुआ नहीं है टेक्स्ट में, उस पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अच्छा, उसके बाद हमारे टर्म्स आते हैं कि भाई क्या क्या टर्म्स हमको सीखने की जरूरत है टू स्टडी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, है ना, टू स्टडी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री वी नीड टू नो सर्टेन टर्म्स, व्हाट आर द टर्म्स, लेट्स सी, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, चार्ज, कोऑर्डिनेशन नंबर, ना देखते हैं इनके ऊपर क्वेश्चंस क्या क्या आए हुए हमको। कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा है, देखो कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा हुआ है ना, डिड यू हैव मोनोमर्स हियर, कोऑर्डिनेशन आइसोमर, सिर्फ कोऑर्डिनेशन नंबर पे क्वेश्चन है, उसके अलावा बाकी चीजों पे नहीं है, तो बाकी चीजों पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ब्रीफली कर लेंगे, ठीक है, ब्रीफली कर लेंगे। एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं आपको, वर्नर्स थियरी उस एग्जांपल से सिखाता हूं, और ये तीनों टर्म्स भी सीख, वर्नर्स थियरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, ठीक है, व्हाई वर्नर्स थियरी इज इंपॉर्टेंट, एज यू सी देयर इज अ क्वेश्चन फॉर यू हियर इन योर क्वेश्चन बैंक, राइट द पोस्टुलेट्स ऑफ वर्नर्स थियरी, कैन यू सी दैट बच्चों, मैं आपको सारे क्वेश्चन यहाँ पर कवर करवा रहा हूँ ताकि आपके एक भी क्वेश्चन मिस आउट ना हो, ठीक है ना, ध्यान से देखिए। वर्नर्स थियरी की बात कर लेते हैं, और वर्नर्स थियरी के साथ साथ आपको मैं सारे टर्म्स जो है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन नंबर वगैरह सब सिखा दूंगा। वर्नर्स थियरी ने क्या बोला,
पोस्टुलेट नंबर वन, उसकी पॉइंट नंबर वन क्या बोला उसने कि जैसे डबल सॉल्ट में होता है वैसा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में नहीं होता। मेटल जो होता है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में, इसमें दो टाइप की वैलेंसी होती है, एक प्राइमरी वैलेंसी और एक सेकेंडरी वैलेंसी। क्या होती है? एक प्राइमरी वैलेंसी और एक सेकेंडरी वैलेंसी। एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज द प्राइमरी वैलेंसी इज आयोनाइजेबल, द सेकेंडरी वैलेंसी इज नॉन आयोनाइजेबल। मैंने जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा था, मैंने उसको आयोनाइज किया क्या? उसको ब्रेक किया मैंने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो लिखा था उसको ब्रेक किया था? उसको ब्रेक नहीं किया था, यानी वो नॉन आयोनाइजेबल वैलेंसी थी। वो क्या थी? नॉन आयोनाइजेबल वैलेंसी। सीधी बात, फिर से देखें, अगर मैं बोलू K4FeCN6, मैंने यही एग्जाम्पल लिया था ना, तो FeCN6 आयन और साइनाइड का जो बॉन्ड है वो टूटेगा क्या? वो नहीं टूटेगा। बस इतना सिंपल याद है, बस ज्यादा ओवर कॉम्प्लिकेट नहीं करना है चीज। आयन और साइनाइड का बॉन्ड नहीं टूटेगा क्योंकि वो कोऑर्डिनेट है। तो वो उसकी प्राइमरी वैलेंसी से बना था वो बॉन्ड, या सेकेंडरी वैलेंसी से बना था? क्या लगता है? जब वो आयोनाइज नहीं हो रहा है तो वो सेकेंडरी बना। वेरी गुड, सेकेंडरी वैलेंसी से बना था। देखो बढ़िया, एकदम सिंप्लीफाई हो गया। हमको ये पता है कि भाई ये सेकेंडरी वैलेंसी से बना, ठीक है। कॉम्प्लेक्स के अंदर, कॉम्प्लेक्स के अंदर सेकेंडरी वैलेंसी ही काम करती है। कॉम्प्लेक्स के अंदर अगर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है यहां पर, तो उसके अंदर सेकेंडरी वैलेंसी ही काम करती है। यही तो वर्नर्स थ्योरी है। आयोनाइजेबल स्फीयर कंसिस्ट प्राइमरी वैलेंसी, आयोनाइजेबल स्फीयर कंसिस्ट ऑफ प्राइमरी वैलेंसी, कोऑर्डिनेशन स्फीयर कंसिस्ट ऑफ सेकेंडरी वैलेंसी। देखो सिंपल हो गया। तो अब मुझे आप बताओ, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया आप खुद ही बता पाओगे। देखो उसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, अगर आपको मैं सेंटेंस सिंपल समझा दिया तो आप इसका केमिस्ट्री तो अपने आप समझ गए। K4FeCN6 ये मेरा अच्छा एग्जांपल है। मैंने बोला पोटेशियम और आयन का, ये जो पोटेशियम और कॉम्प्लेक्स का बॉन्ड है, ये टूटेगा कि नहीं टूटेगा? टूटेगा, सीधी बात है। तो ये आयोनाइजेबल स्फीयर में आ गया, ये प्राइमरी वैलेंसी हो गई, ये आयोनाइजेबल स्फीयर में आ गया। और Fe और CN का जो बॉन्ड है वो टूटेगा कि नहीं टूटेगा? वो नहीं टूटेगा। तो ये कौन सा है? ये हमारा सेकेंडरी वैलेंसी, ये हमारा सेकेंडरी वैलेंसी है, यानी कि जो सेकेंडरी वैलेंसी है वही कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। गंगाधर ही शक्तिमान है, पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, और सेकेंडरी वैलेंसी ही कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? तो अब आपको मैं पूछूं कि भाई कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है? अगर मैं आपको पूछूं कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, तो आप बहुत ही आसानी से बता पाओगे कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है। द सेंट्रल मेटल एटम एंड लाइगेंड्स लिंक टू इट आर एनक्लोज्ड इन अ स्क्वायर ब्रैकेट, दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो जो स्क्वायर ब्रैकेट है वही कॉम्प्लेक्स को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, वही कोऑर्डिनेशन स्फीयर को भी रिप्रेजेंट है। ये बात दिमाग में घुस गई होगी, क्लियर है, एकदम आसान। जो स्क्वायर ब्रैकेट है वही स्क्वायर। तो अगर मैं K4FeCN6 को तोड़ के देखूं तो FeCN6 अलग, ये क्या है मेरा? ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है कि आयोनाइजेशन स्फीयर है? बताओ। ये मेरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर, जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वो मेरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, और ये जो बाहर है ये क्या है? मेरे आयोनाइजेशन स्फीयर है। एकदम क्लैरिटी के साथ समझ में आया? बोलो आगे। बहुत ही आसान है, फालतू में ओवर कॉम्प्लिकेट करते ही नहीं अपन। ये स्क्वायर ब्रैकेट कॉम्प्लेक्स को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, यही सेकेंडरी वैलेंसी को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। सभी बच्चों को ये समझ में आया? प्लीज सर नहीं, यही स्क्वायर ब्रैकेट। तो इसीलिए मैंने शुरुआत ऑफ द चैप्टर में तुमको किस पे फोकस कर रहा है? स्क्वायर ब्रैकेट। तुमको स्क्वायर ब्रैकेट समझ गया तो समझो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री समझ गया। बहुत सारे बच्चे स्क्वायर ब्रैकेट ही नहीं समझ पाते हैं, तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है वही हमारा मेन सेकेंडरी वैलेंसी भी है, वही रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉम्प्लेक्स भी वही रिप्रेजेंट कर रहा है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर भी वही रिप्रेजेंट कर रहा है। जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है
वो आयोनाइज होगा, वो उसका बॉन्ड टूटेगा, वो अलग होगा, तो वो आयोनाइजेबल स्फीयर यानी कि प्राइमरी वैलेंसी को रिप्रेजेंट। इससे ज्यादा सिंपल नहीं हो सकता, ठीक है बच्चों? आयोनाइजेबल ग्रुप्स आउटसाइड द ब्रैकेट आर कॉल्ड काउंटर आयोन्स। तो मुझे बताओ K4FeCN6 में तुम्हारा काउंटर आयोन कौन है? बोलो पोटेशियम, बाकी ना। तुम्हारा कॉम्प्लेक्स कौन है FeCN6? मेरा कॉम्प्लेक्स है। मेरा काउंटर आयोन कौन है? पोटेशियम। मेरा काउंटर आयोन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? यहाँ पे पॉजिटिव, तो मेरा कॉम्प्लेक्स ऑटोमेटिकली क्या हो गया? सिंपली बात है, इतना ही, समझ रहे हो? बहुत आसान। अगर मेरे पास K4FeCN6 है, कौन सा पार्ट नहीं समझा? इसमें 4K+ और FeCN6 अलग होगा, तो जो मेरा 4K+ है वो मेरा काउंटर आयन है, और FeCN6 4- जो है ये मेरा कॉम्प्लेक्स, ठीक है? हाँ, तो काउंटर आयन और कॉम्प्लेक्स का कॉन्सेप्ट समझ में आया, ठीक है बच्चे? ओके, अच्छा, अगर काउंटर आयन नेगेटिव है तो कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव हो जाएगा, सीधी बात है। अच्छा, अरे हाँ, डबल सॉल्ट दिया है यार, डबल सॉल्ट दिया, सॉरी मेरी माय मिस्टेक, डबल सॉल्ट दिया होगा, तो डबल सॉल्ट डिसोसिएट्स कंप्लीटली, जैसे कि मोर सॉल्ट में आपको सारे एग्जांपल में से दे चुका हूँ, वेरी गुड। हाँ, कार्नालाइट आपको उन्होंने पूछा हुआ है, बाय द वे बच्चों, कार्नालाइट को मार्क कर लेना अपनी टेक्स्ट बुक में, कार्नालाइट दिख रहा है सबको? मैं मार्किंग यहाँ पे कर रहा हूँ आपके लिए, कार्नालाइट, ये KCl, MgCl2, ये डबल सॉल्ट, ठीक है? देखो, राइट द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ कार्नालाइट, देखो यहाँ पे आपको क्वेश्चन मिलेगा, मिला? देख लो ध्यान से, तो सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको समझा भी रहा हूं मैं, ऐसा नहीं कि कॉन्सेप्ट, आपको कॉन्सेप्ट भी बता रहा हूँ साथ में आंसर भी बता रहा हूँ। फिर ये मत पूछना सर पढ़ने का कहां से, आप लोग बहुत मस्त लोग, सब कुछ होने के बाद मेरे को मैसेज करते सर पढ़ू कहां से? आंख से पढ़, दिमाग से पढ़, ठीक है? तो यहाँ पे हर एक आंसर आपको मार्क करके दिया, वहीं से पढ़ना है, जहां से मार्क करके दिया वहां से पढ़ लो, सीधी बात है। चल, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स क्या होता है? डिसोसिएट्स इन वाटर विद वन कॉम्प्लेक्स आयन, सिंपल एग्जांपल K4Fe। मैंने इनफैक्ट दोनों सेम एग्जांपल, एलम का एग्जांपल लिया था, यहाँ पे उन्होंने मोर सॉल्ट दिया, कार्नलाइट KCl MgCl2 6H2, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है, मार्क करके रख लेना सब, ठीक है बच्चों? तो वर्नर का थर्ड पोस्टुलेट था, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में सेकेंडरी वैलेंसी होती है नॉन आयोनाइजेबल, सेकेंड पोस्टुलेट था आयोनाइजेबल स्फीयर में प्राइमरी वैलेंसी होती है और वो आयोनाइजेबल, चौथी वैलेंसी, तो चौथा पोस्टुलेट, चौथा पॉइंट ये जो था हमारी वर्नर थ्योरी का, वो है सेकेंडरी वैलेंसीज हैव फिक्स्ड स्पेशल अरेंजमेंट। सीधी भाषा में बोले तो फिक्स्ड स्पेशल अरेंजमेंट, इस हाई फंडू वर्ड को अपन सीधी भाषा में बोले तो फिक्स्ड क्या, ज्योमेट्री, सीधी भाषा में बोले तो क्या बोलेंगे, फिक्स्ड ज्योमेट्री, ठीक है बच्चों? फिक्स्ड ज्योमेट्री। आप लोग ये केमिकल बॉन्डिंग में हजार बार कर चुके हो ना, sp3 means tetrahedral, sp2 means trigonal planar, sp means linear, है ना? अलग अलग हमने किया है ना बच्चों, तो वैसे यहां पर हर हाइब्रिडाइजेशन की एक ज्योमेट्री होती थी ना वहां पे, वैसे यहां पर भी हर एक कॉम्प्लेक्स की अपनी एक ज्योमेट्री होती है, ये हम लोग अभी डिटेल में पढ़ेंगे किस कॉम्प्लेक्स की क्या ज्योमेट्री, ये बात समझ में आई? तो हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया, मैं मार्क करते जाता हूँ कि हमारा क्या क्या हो गया है ना। देखो, इथिलीन डायमाइन का मैंने स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करके बता दिया, कार्नालाइट बता दिया, पोस्टुलेट्स ऑफ वर्नर थ्योरी बता दी, बाइडेंटेड एम्बिडेंटेड लाइगेंड क्या होता बता दिया, डिस्टिंक्शन डबल सॉल्ट, ऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, यस,
क्लासिफिकेशन ऑफ लाइगेंड्स कर लिया हमने, डिफाइन लाइगेंड कर लिया, पहला एमसीक्यू भी हो गया। देखो हमारा एम्बिडेंटेड लाइगेंड कौन सा, मैंने आपको तीन ही एग्जांपल दिए ना, सीएनएनसी, NO2ONO और SCN NCS, तो आंसर हमारा क्या है, डी। बरोबर है, समझ में आ रहा है सबको क्या कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन बैंक के भी आपको आंसर में साथ में बता रहा हूँ, फिर टेक्स्ट बैक के भी बताऊँ, टेक्स्ट बैक के भी देखेंगे तो आप, जैसे मैं हर बार बैठ के बोलता हूँ, 90% क्वेश्चन क्या है, ओवरलैपिंग है, 90% क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बैक के और क्वेश्चन बैंक के ओवरलैपिंग। क्वेश्चन बैंक यहाँ पे साइड में इसलिए खोल के रखा हुआ है ताकि आपको एक फायदा हो इसका, कि जो डिलीटेड पार्ट है उसमें से सवाल नहीं है, ठीक है ना, वो अच्छी बात। समझ में आ रहा है क्या गधों, अब यहां पर नेक्स्ट फंडा देखते हैं, नेक्स्ट फंडा, तो वर्नर्स थियरी हमने देखी, नेक्स्ट फंडा हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। इसके पहले हमने क्लासिफाई लाइगेंड्स को किया था, अब हम पूरे पूरे कॉम्प्लेक्स को क्लासिफाई करें, ध्यान से देख लेंगे। हमने लाइगेंड को क्लासिफाई कैसे किया था, मोनोडेंटेट पॉलीडेंटेट में किया, बरोबर है। अब हम लोग पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स को क्लासिफाई करें, ध्यान से देख, और बहुत आसान, पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स को क्लासिफाई करेंगे। कॉम्प्लेक्स को आइडेंटिफाई कैसे करोगे, ये बार बार पूछते रहूंगा, कॉम्प्लेक्स को आइडेंटिफाई कैसे करोगे, स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स को हम लोग दो मेजर पार्ट में पहला डिवाइड कर लेते हैं, और ये हमारा एक और आंसर बन जाता है हमारे क्वेश्चन बैंक का। इस पहला होमोलेप्टिक, पहला वर्ड क्या है, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, क्या है बच्चों, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, और दूसरा क्या होगा, कॉमन सेंस, दूसरा क्या होगा, हेट्रोलेप्टिक होगा, वही होमोलेप्टिक है, तो दूसरा क्या होगा, हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स होगा, सीधी बात है। अच्छा, होमो वर्ड का मतलब क्या है और हेट्रो वर्ड का, होमो का मतलब सेम, हेट्रो का मतलब डिफरेंट, तुम देख लो खुद ही तुमको समझ में आ जाएगा, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। FeCN6 में कितने टाइप के लाइगेंड दिख रहे हैं, कितने टाइप के, एक ही टाइप का, कौन सा, साइनाइड, छह है, नंबर छह है, बट कितने टाइप के, एक ही टाइप के, छह के छह क्या है, साइनाइड, तो होमोलेप्टिक, कितना इजी, कितना इजी है कि। और हेट्रोलेप्टिक में क्या होगा, थोड़ा बुद्धि लगाओ, दो या मोर, टू और मोर टाइप के लाइगेंड होंगे, सिंपल एकदम। तो अगर मैं ऐसा लिख दूं कि FeNH3 तीन बार और साइनाइड तीन, ऐसा कर सकता हूं, तीन अमोनिया तीन साइनाइड, यहाँ पे छह साइनाइड दिया था, तीन अमोनिया तीन साइनाइड अलग अलग दे दिया, हेट्रोलेप्टिक हो गया, बोलो हाँ कि ना, कितना इजी है ना। तो आपको सिंपल ये देखना है कि होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक में फर्क ये है कि जिसमें सारे लाइगेंड एक ही टाइप के लाइगेंड पड़े हो तो वो होमो, और अलग अलग टाइप के लाइगेंड हो तो हेट्रो, चेक कर लो, अब आंसर आ गया। होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस ओनली वन टाइप ऑफ लाइगेंड, देखो क्या है, ओनली वन टाइप ऑफ लाइगेंड, एग्जाम्पल CONH3 सिक्स टाइप्स मिला, द कॉम्प्लेक्सेस इन विच मेटल इज बाउंड टू ओनली वन टाइप ऑफ लाइगेंड इज होमोलेप्टिक और हेट्रो, तो सीधी बात है यार, एक अमोनिया है और क्लोरीन, चार अमोनिया दो क्लोरीन, देख लो NH3 भी है Cl भी है, कॉम्प्लेक्सेस इन विच मेटल आयन इज सराउंडेड बाय मोर देन वन टाइप इज कॉल्ड हेट्रो, क्लियर है, बोलो हाँ, इससे ज्यादा इसी नहीं हो सकता है, हाँ NH3 भी है Cl भी, अच्छा और भी हो सकते थे, दो अमोनिया दो क्लोरीन दो वाटर, ऐसा भी हो सकता था, उसको छह पूरे करने से मतलब था, वो कर सकता है, कैसे भी कर सकता, कोई भी कॉम, छह अलग अलग लाइगेंड भी ले सकता है, एक 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 एक, वो भी कर सकता था, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहां पर बन जाता है आपका होमोलेप्टिक एंड हेट्रोलेप्टिक का आंसर, समझ में आया। बाय द वे ऑल्सो वन मोर थिंग, आई एम गिविंग यू द मार्किंग एंड द पेज नंबर इज रिटन इन इन एट द साइड फॉर सम ऑफ द क्वेश्चन, आई नो व्हाई, आई डोंट नो व्हाई दे डोंट राइट फॉर ऑल ऑफ द क्वेश्चन, इडियट्स, बट ठीक है, यू शुड राइट ना फॉर ऑल ऑफ द क्वेश्चन, यू वांट टू राइट, चलो लिख लो, यहाँ पे लिख देते हैं 195 पे ये दिया हुआ, वर्नर्स थियरी कहाँ दी थी 194 पे दी हुई थी। हरे की आई होप सभी बच्चे टेक्स्ट बुक लेके बैठे होंगे और खुद से मार्किंग कर रहे होंगे,
अगर आप मार्किंग नहीं कर रहे हो तो आपके पास होने की गारंटी मैं क्या कोई नहीं ले सकता। अगर आप घर पे बैठ के सिर्फ आराम से सर लेट के ये देख रहे हो, हाँ ठीक है सर बोल रहे हैं हम देख रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो टेक्स्ट बुक लो, पेन लो, बैठो, अगर क्वेश्चन बैंक आपके सामने है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, क्वेश्चन बैंक भी लो, मार्क करते जाओ, टेक्स्ट बुक में मार्किंग करो, क्वेश्चन बैंक में मार्क, फिर आपका मार्क्स का गारंटी है, पक्की बात, अच्छे मार्क्स की गारंटी। ठीक है, चलो ये हुआ 192। वो पीडीएफ में आएगा, पीडीएफ में आ जाएगा ये मार्किंग्स। वैसे भी मैं आपको अपलोड कर देने वाला हूँ, आपको पता ही है, पर आप लोग अपलोड पे डिपेंडेंट मत रहो, मैं आपको ये जानबूझ के फिर बार बार बताते रहता हूँ, क्योंकि आपके दिमाग में एक रिलैक्सेशन आ जाता है कि हाँ सर तो ऐप पे डाल देंगे, ऐप पे तो सब कुछ आ जाएगा। मैं जानबूझ के कभी कभी नहीं भी डालू, नहीं डालता हूँ कोई चीज, मैं देखता हूँ भाई किसने खुद लिखा है, खुद मार्क किए, और कौन वेट कर रहा है कि नहीं सब कुछ सर ने किया सर डाल देंगे, मैं तो सिर्फ देख के चला दूंगा। ये बहुत बड़ी गलत फहमी है आपकी जनरेशन की, आपके लोगों की, कि हम देख लेंगे और हमको आ जाए। ये आप लोगों को ये ऑनलाइन एजुकेशन ने बिगाड़ दिया, कि हम सिर्फ स्क्रीन पे देख लेंगे और हमको एग्जाम में आ जाएगा, नहीं आता बॉस, खुद बैठ के लिखोगे नहीं तब तक नहीं आएगा, मार्क नहीं करोगे तब तक नहीं आएगा। ठीक है ना, डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स को भी हमने मार्क किया ना, यस ऑन पेज 194 ही है। ये तो एग्जाम्पल मैंने आपको सीधे सीधे लिख के दे दी, बाइडेंटेट और एम्बिडेंटेट का एग्जाम्पल है ये 192 और 193। गुड इनफ, इस तरह से। अब हम लोग जाते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तो हमारे चार पॉस्टुलेट्स ऑफ वर्नर्स हो गए हमारे होमोलेप्टिक हेटरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, यहां तक सबको क्लियर है। नेक्स्ट है हम लोग और दो बेसिस पे कॉम्प्लेक्सेस को क्लासिफाई करते हैं, कैटायोनिक एंड एनायोनिक। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, जिसमें आपको काउंटर आयन पॉजिटिव मिले वो कॉम्प्लेक्स नेगेटिव, जिसमें काउंटर आयन नेगेटिव मिले वो कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव। इसका आपको क्वेश्चन नहीं है क्वेश्चन बैंक में ऐसा, तो इसीलिए ये जान लो, इसको मार्क करने की या लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझ लो, और बहुत कॉमन सेंस सिंपल चीज है कि भाई काउंटर आयन ब्रैकेट के बाहर वाला जो एटम है, ब्रैकेट के बाहर वाला जो एटम है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये हम लोग बहुत आसानी से जज कर सकते हैं। पूछो क्यों, क्योंकि वो तो इनऑर्गेनिक पार्ट है, वो तो कोऑर्डिनेट वाला पार्ट है, ये तो सिंपल एक वो सिंपल है, मतलब पोटेशियम क्लोरीन वगैरह, तो अपने को पता है क्लोरीन हमेशा माइनस होता है, पोटेशियम प्लस होता है, मालूम है ना। तो ब्रैकेट के बाहर वाला पॉजिटिव है तो हमारा कॉम्प्लेक्स नेगेटिव हुआ, ब्रैकेट के बाहर वाला नेगेटिव है हमारा कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव हुआ, क्लियर ही है। नेक्स्ट जो पार्ट है, नेक्स्ट जो पार्ट, ये ट्रिकी पार्ट है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगेन यहां पर मैं बोल सकता हूं आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर रूल्स आपको कोई नहीं पूछने वाला, रूल्स पे टाइम वेस्ट मत करना, ठीक है। और अगर मेरे पास बहुत टाइम होता, अगर मुझे ये चैप्टर आपको 8 लेक्चर में पढ़ाना होता तो मैं एक पूरा लेक्चर डेडिकेट करता आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। ऑब्वियसली आपके पास उतना टाइम है, मेरे पास तो है, आपके पास उतना टाइम है, तो मेरी एग्जाम थोड़ी आती है, तो सेटल्ड, बट हाँ जी। सो आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर के रूल्स पे टाइम वेस्ट नहीं करना, आईयूपीएसी में सीधा सीधा नॉमेनक्लेचर पे ध्यान देंगे अपन, मैं आपको तरीके और ट्रिक्स बताऊंगा कि कैसे लिखना है, पर ये श्योर क्वेश्चन है इतना याद रखना, रूल्स आपका नहीं आने वाला, नेमिंग आपका श्योर क्वेश्चन है, इसके ऊपर गारंटीड गारंटीड क्वेश्चन है आपके एग्जाम में 101% आने ही वाला है। आप देख सकते हो आईयूपीएसी नेम है ना, आईयूपीएसी नेम, आईयूपीएसी नेम आपको बहुत मिलेंगे, बहुत मतलब एवरी ईयर ये बोल सकते हैं कि गारंटीड क्वेश्चन में से रहता है, ठीक है, आप देख सकते हो। अब यहां पर मैं आपको समझाता हूं कि आईयूपीएसी नेम कैसे लिखा, जैसा मैंने कहा आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट योर टाइम विद द रूल्स, ठीक है, ऐसे रूल्स सिखाने बैठे तो पूरा लेक्चर खत्म हो जाएगा, आपको रूल्स याद नहीं है और याद करने की जरूरत नहीं, आपको मैं समझाता हूँ उसका लॉजिक, आपको मैं समझाता हूँ उसका लॉजिक, ठीक है।
लॉजिक समझेंगे? चलो, आईयूपीएसी नेम का जो लॉजिक है, जो फॉर्मेट है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक में तो आपको मैं बहुत बार करा चुका हूँ, चैप्टर वाइज हम लोगों ने किया भी है, अल्कोहल का अलग होता है, एल्डिहाइड का अलग होता है, एसिड का, अरे किया, बट कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आईयूपीएसी नेम आपको अगर लिखना है तो आप क्या करो, ऐसे फंडे लगाओ कि अगर पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है तो अलग तरीके से लिखना है, नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है तो अलग तरीके से, पहले ये क्लियर। क्या करेंगे, पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स मतलब कैन आई से कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स, यस, और एनायोनिक कॉम्प्लेक्स, समझो कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स एंड एनायोनिक कॉम्प्लेक्स, ये फंडा समझो, ठीक है। और कैटायोनिक और एनायोनिक आपको आइडेंटिफाई करने आता है, आप इजीली देख पाओगे, अच्छा काउंटर आयन पॉजिटिव था तो मेरा कॉम्प्लेक्स नेगेटिव है, काउंटर आयन नेगेटिव था तो मेरा कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव, इस तरह देखना है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स आपने आइडेंटिफाई कर लिया, अब लॉजिक क्या है, लॉजिक है कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स अगर आपको लिखना है, मतलब पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव है तो उसका नाम लिखने का तरीका कैसा है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दिखा दूं, एग्जांपल के साथ ही बताऊंगा तो अच्छा रहेगा, यहाँ पे तो आपके सारे के सारे एलोन हैं, हाँ पॉजिटिव वाला है, एग्जांपल मैं आपको इसका ही ले लेता हूँ ताकि आपके क्वेश्चन बैंक का आंसर भी आपको उसमें मिल जाए। एग्जांपल Zn NH3 4 टाइम्स स्क्वायर ब्रैकेट 2 प्लस, पहले ये बताओ ये कैटायोनिक है कि एनायोनिक है, ये कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स जो मैंने यहां पर बनाया इसमें चार्ज क्या है, पॉजिटिव है, कैटायोनिक है। और एक एग्जांपल ले लेते हैं NiCl4 2 minus NiCl4 2 minus, एक पॉजिटिव वाला लिया मैंने, एक नेगेटिव वाला, ये क्लियर है, दोनों के एग्जांपल के साथ समझाऊंगा, और दोनों वैसे ही क्वेश्चन लिए जो आपके क्वेश्चन बैंक में लिखे हुए, ठीक है ना। देखो स्पेस ले लिया, अब फंडे देखते हैं जरा इसमें फर्क, पहले मैं नाम लिखता हूं फिर फंडे समझा, यहां पर इसका नाम है टेट्रा अमीन जिंक टू आयन, क्या होगा टेट्रा अमीन जिंक टू आयन, इसका नाम होगा टेट्रा साइनो निकलेट, टेट्रा साइनो निकलेट फोर आयन। अब बोलोगे सर क्या लॉजिक से लिखा आपने, तो मैं समझा, ठीक है, क्या लॉजिक से लिखा आपको तो देखो समझाता हूं, ध्यान से देखो, पहला ये देखो कि कितने लाइगेंड प्रेजेंट, कितने लाइगेंड प्रेजेंट है, चार, तो मैंने आगे क्या लिखा टेट्रा, इजी, चार लाइगेंड है, आगे क्या लिखा टेट्रा, इजी, क्लियर। दूसरा मैंने लाइगेंड कौन सा है, यहां पर NH3 है, NH3 का नाम आप बोलोगे सर अमोनिया, नहीं अमाइन, AMINE, नहीं वो तो NH2 होता है, अमीन, NH3 का नाम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में अमीन है, क्या है अमीन, ए डबल एम आई एन, क्या नाम है अमीन, अमीन। साइनाइड का नाम क्या है साइनो, साइनाइड का नाम क्या साइनो है ना, अच्छा अब तीसरा जो है वो बड़ा फैसिनेटिंग है, जो मेटल है मेरा वो है जिंक, मेटल है मेरा वो है जिंक, यहां पर मेरा मेटल कौन है निकल, पर मैंने निकल के आगे क्या लिखा एट, तो जब मेरा कॉम्प्लेक्स नेगेटिव है तो मेरे मेटल के नाम के आगे होना चाहिए एट, ए टी ई,
8. और अगर मेरा कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव है तो मेरा मेटल का नाम नॉर्मल सिंपल इंग्लिश भाषा में होना चाहिए. अब मैंने इंग्लिश भाषा क्यों बोला, बिकॉज यहां पर जो मेटल का नाम है ये मैं लैटिन में लिखूंगा. किसमें लिखूंगा? इसमें लिखूंगा लैटिन. अब निकल को लैटिन में निकल ही बोलते हैं, इससे चलता है. बट आयन होता मैं आयनेट लिखता या फेरेट लिखता, क्या लगता है? अगर एफी होता तो मैं आयनेट लिखता या फेरेट लिखता, क्या लगता है? फेरेट लिखता. तो अब आप मुझे आंसर बताओ कितना इजी लगेगा आपको. अब देखो, ठीक है, वही सेम लॉजिक आप अप्लाई करो, आप देखना आपको ये आंसर इजी लगेगा. खुद ही आप बताओ, चलो क्या आएगा? हेक्सा, वेरी गुड, हेक्सा साइन फेरेट, कितना इजी. समझ में आ रहा है सभी बच्चों को? आई होप सो. यस, हाँ जी. अच्छा, अभी निकलेट में चार्ज मैंने ऐसा क्यों लिखा, और ये क्यों लिखा? ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट. पहले इस सबको ये मेरा कर्सर दिख रहा होगा स्क्रीन पे, पहले इस लाइगेंड को देखो. अमोनिया अपने आप में एक मॉलिक्यूल है जो न्यूट्रल है. बोलो हाँ की ना. अमोनिया एक मॉलिक्यूल है जो न्यूट्रल होता है, सबको पता है, ठीक है. वॉट अबाउट साइनाइड? साइनाइड कैरीज -1 चार्ज. बोलो हाँ की ना. ये हमको पता है ना, Cn-1 होता है ना. तो अब मेरे को अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, जो पुरानी टेक्निक है हमारी, तो निकल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकला? Ni कितना निकला? Ni-4 = -2. सो Ni becomes equal to कितना होता है? +2 ना, +2. +2. यस, माय बैड, मैंने 4 लिख दिया था, गलती से लिख दिया, सॉरी. +2. सेम वे इधर जिंक. जिंक में क्या आएगा बेटा? पता, Zn +4 टाइम्स ऑफ Ns3, तो 0 है चार्ज, इक्वल टू, तो इक्वल टू +2, ऊपर चार्ज है ना +2, तो जिंक सीधा +2 आ गया. तो जो चार्ज है किसका, सेंट्रल मेटल एटम का जो ऑक्सीडेशन नंबर है, उसको मैं राउंड ब्रैकेट में रोमन नंबर में लिखता हूं. उसको मैं राउंड ब्रैकेट में किसमें लिखता हूं? रोमन नंबर. वो पूरे कॉम्प्लेक्स का चार्ज, जो स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर जो नंबर है वो पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स का चार्ज है, ठीक है. तो अब देखो क्वेश्चन बैंक में जो क्वेश्चन है IUPAC नॉन-ऑफिशियल के, उनको हम किस तरह से सॉल्व, जैसे कि ये वाला देख लो. पहले पेज नंबर 96 पे वैसे दिया हुआ है, बट बता देता आपको यहाँ पे, हेक्सा साइनो फेरेट. अब इसमें ध्यान से देखना, मैं आयन को क्या नंबर लिखूंगा, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे लिखेंगे चेक करो. Fe+Cn कितनी बार? 6 बार, -4. तो Fe-6 = -4. Fe कितना है? +2, बराबर है, समझ में आ रहा है सबको? तो हेक्सासाइनो फेरेट, फेरेट के बाद मैं रोमन नंबर में 2 लिखूंगा. तो क्या क्या मुझे समझ में आया इसमें? 8 लिखने से समझ में आया कि कॉम्प्लेक्स नेगेटिव का, बोलो हाँ कि ना. 2 लिखने से समझा कि आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 था, और साइनो लिखने से पता चला कि साइनाइड लाइगेंड था, और हेक्सा लिखने से पता चला कि 6 लाइगेंड, और आयन लिखने से पता चला कि ओवरऑल इसके ऊपर चार्ज था. समझ रहे हो? बोलो हाँ कि ना, क्लियर है? और एक एग्जांपल करें, और एक एग्जांपल करें, यहां देख, इट्स एग्जांपल, ये वाला आपके MCQ. Na3AlF6. पहला, सबसे पहला मेरे को लेफ्ट टू राइट, अच्छा लेफ्ट टू राइट जब मैं जा रहा हूं तो मेरे को क्या करना है, सबसे पहले क्या दिख रहा है? सोडियम दिख रहा है, मैं क्या करूंगा? सोडियम. कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा सर ट्राई सोडियम क्यों नहीं लिखने का, कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा सर Na3 है ना, मैं ट्राई सोडियम क्यों नहीं लिख रहा हूं,
क्योंकि वो काउंटर आयन है, काउंटर आयन का नंबर मेरे को नहीं लिखने का। तुम जब मैग्नीशियम क्लोराइड लिखते हो तो MgCl2 लिखते हो, तो उसको मैग्नीशियम डाइक्लोराइड बोलते हो कि सिंपल मैग्नीशियम क्लोराइड बोलते हो? मैग्नीशियम क्लोराइड ही बोलते हो ना, डाइक्लोराइड थोड़ी बोलते। क्यों? क्योंकि वो इनऑर्गेनिक वाला पार्ट है, नॉर्मल, वो नॉर्मल मेटल है, नॉर्मल सिंपल है वो, तो सिंपल में अपने को नंबर लिखने का जरूरत नहीं है, है ना। जब स्क्वायर ब्रैकेट, हमारा मेन पार्ट क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट है ना, कॉम्प्लेक्स है ना, वहां पे आते तब हम नंबर वंबर हेक्सा टेट्रा वेट्रा सब लिखते हैं। ठीक है बच्चों? यस, सभी बच्चों को आई होप ये समझ में आ रहा है। सोडियम, सोडियम के बाद AlF6 है, कितने हैं? 6, तो हेक्सा। कौन सा लाइगेंड है? फ्लोरीन, तो फ्लोरो। अच्छा, सोडियम पॉजिटिव होता है तो AlF6 क्या है, कैटायोनिक है कि एनायोनिक है? एनायोनिक, तो एल्यूमिनियम या एल्यूमिनेट। हाँ, ये हुई ना बात, देखो कितना इजी। अच्छा, अब नेक्स्ट पार्ट जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है कुछ बच्चों को, वो बताओ। Na3 था, सोडियम कितना था? 3, तो AlF6 पे पूरा चार्ज कितना था बताओ? 3 माइनस, बोलो हाँ कितना। 3 पॉजिटिव सोडियम थे तो AlF6 पे 3 नेगेटिव चार्ज था। हाँ, तो एल्यूमिनियम प्लस 6 फ्लोरीन इक्वल टू -3। हमको पता है फ्लोरीन -1 होता है, तो Al-6 इक्वल टू -3, तो Al कितना हुआ? +3 हुआ ओवरऑल, तो इसीलिए आप देखोगे, अब आपको समझेगा कि यहाँ पर राउंड ब्रैकेट करके समझा कि नहीं समझा, कितना इजी। सोडियम हेक्सा फ्लोरो एल्यूमिनेट, नाम देखने में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है बट यू रियलाइज कि यार क्वाइट सिंपल इज। नहीं, ऐसा कभी नहीं बोला, रोमन में लिखना है, ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन में ही लिखना, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल यू हैव टू राइट इन रोमन नंबर। और एक एग्जांपल करेंगे बच्चों, इसका नाम तो बता दिया ना ऑलरेडी, हाँ इसका नाम तो बता दिया, NiCN4 2- का नाम बता दिया मैंने, और ये ZnNH3 4 2+ का नाम भी बता दिया। इसका नाम होगा टेट्रामीन जिंक 2 आयन, इसका नाम होगा टेट्रासाइनो निकलेट। ठीक है, क्लियर है बच्चों? तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट आइसोमर IUPAC नेम्स हैं जो मैं चाहता हूं कि आप अपने बुक में मार्क कर लेना, ताकि आपको एग्जांपल्स उसके याद रहे जो पूछे जा सकते हैं, इसके बाहर के आपको क्वेश्चन नहीं आ सकते, इसके बाहर के क्वेश्चन नहीं आ सकते। तो अगेन आप बोल सकते हो कि फ्रॉम दिस टेबल 1 क्वेश्चन इज श्योर, इसमें से 4 तो मैंने ऑलरेडी करा दिया आपको, बाकी आप देख सकते हो सेम लॉजिक से आपको बहुत ही आसानी से नाम आ जाएंगे। जैसे इसका नाम ले लो, तो अब आप देखो सोडियम सबसे पहले, तो मैं क्या लिखूंगा? सोडियम, फिर कोबाल्ट है और 6 NO2 है, तो हेक्सा नाइट्रो दिख रहा है, हेक्सा नाइट्रो, NO2 क्या है? नाइट्रो, और कोबाल्ट है। अच्छा, सोडियम बाहर था तो पूरा कॉम्प्लेक्स कैसा है? नेगेटिव है, बोलो हाँ कि ना, तो कोबाल्ट लिखो कि कोबाल्टेट, कोबाल्टेट, देखो कोबाल्टेट दिख रहा है, इस तरह से बहुत आसान, बस आपको लॉजिक की जरूरत है। बहुत बार क्या होता है, टीचर्स आपको पूरे पूरे रूल सिखाते हैं, आप 12-15 रूल याद करने के चक्कर में आप नाम को ही पूरा गड़बड़ कर देते, वो नहीं करना। आई होप ये बात समझ में आ रही सबको। यस, बहुत आसान है, देख लेना ध्यान से, बहुत आसान। और एक एग्जाम्पल, कोई भी एग्जाम्पल ले लो, जैसे कि यहाँ पर, जैसे कि मोर देन वन, ये हेट्रोलेप्टिक, दो अलग अलग टाइप के इसमें आपको लाइगेंड दिखे, ब्रोमीन भी है अमोनिया भी है, तो क्या करेंगे? थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या करते थे, एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आते थे, क्या करते थे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर लगाते थे, तो यहाँ पर भी हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर लगाएंगे, बोलो हाँ कि ना। तो ब्रोमीन और अमीन, ब्रोमो पहले लिखूंगा कि अमीन पहले लिखूंगा? अमीन, सीधी बात है, ध्यान से देखो, तो मेरे पास कितने हैं? 2 ब्रोमो है और 2 अमीन, 4 अमीन है,
तो देखो मैं टेट्रा अमीन पहले लिखा, पूछो क्यों, क्योंकि अमीन ए पहले आता है, बोलो हाँ कि ना। फिर डाई ब्रोमो दो ब्रोमीन, अच्छा काउंटर आयन मेरा ब्रोमीन, ब्रैकेट के बाहर काउंटर आयन क्या है, ब्रोमो, दैट ब्रोमी ब्रोमाइड नेगेटिव है, तो मेरा कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव है, तो प्लैटिनेट नहीं लिखा, प्लैटिनम लिखा, देखो कितना इजी। और लास्ट में क्या है, ब्रैकेट के बाहर ब्रोमाइड, ब्रैकेट के बाहर जो है वो हम लोग नॉर्मल भाषा में जो लिखते हैं, ब्रैकेट के बाहर है। अच्छा एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करना इसको, थोड़ा जूम करके दिखाता हूं, हम लोग सबको दिख रहा होगा, क्लियर, थोड़ा जूम कर दिया, ठीक है देखना, इसमें बहुत देखने वाली चीज है सर, इसमें ब्रोमीन बॉक्स के अंदर भी है, ब्रोमीन स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर भी है, देखो ब्रोमीन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर भी है, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर भी है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो ब्रोमीन है उसका नाम ब्रोमो है, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो उसका नाम ब्रोमाइड है, जो अंदर है उसका नंबर बताया डाई लिख के, जो बाहर है उसका नंबर नहीं बताया, चेक करना, जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक अलग ही दुनिया है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, Br है तो ब्रोमाइड, Cl है तो क्लोराइड, I है तो आयोडाइड, Cn है तो साइनाइड, पर कॉम्प्लेक्स अगर वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आ गया तो साइनाइड का साइनो, ब्रोमाइड का ब्रोमो, फ्लोराइड का फ्लोरो, क्लोराइड का क्लोरो, आयोडाइड का आयोडो, बात समझ में आ रही है बच्चों? जो ऑक्सीडेशन स्टेट आपका मेटल का है वो आप रोमन नंबर में लिखें, जो आपका जैसे हम लोग नॉर्मली मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करते ही थे, हमने कैलकुलेट किया 1 2 3 4 जो भी है, बट उसको 1 2 3 4 इंग्लिश में नहीं, हम लोग उसको रोमन लिखते है ना। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज ये देखो, H2O, H2O को आप क्या बोलते हो, वॉटर, बट यहां पर हम लोग उसको बोलते हैं एक्वा, क्या बोलते हैं एक्वा, AQUA, कितना वाटर मॉलिक्यूल है, एक, तो ये एक्वा, क्योंकि वो ब्रैकेट के अंदर उसका नाम बदल जाता है, तो ब्रैकेट के अंदर अमोनिया का नाम हो जाता है अमीन, ये आप लोगों को ध्यान में रखना जरूरी है। तो ये आप लोग क्या करेंगे, ये श्योर क्वेश्चन है, इसको राइट एंड प्रैक्टिस कर, ये सबको समझ में आ रहा है, मैंने सारे लॉजिक आपको सिखा दिए कि किस तरह से कौन सा नाम लिखना है, ठीक है, किस तरह से कौन? अब जैसा मैंने कहा IUPAC में मैं बहुत ज्यादा इनडेप्थ जा सकता हूँ, बट फिलहाल हमारे पास उतना स्कोप नहीं है लास्ट में कंप्लीट, तो हम लोगों को बेसिक बेसिक चीजें करनी है और अच्छे मार्क्स भी लाने, तो कम टाइम में मैक्सिमम हम लोग एफिशिएंटली कैसे स्टडी करेंगे हम वो देखें, नहीं तो मैं आपको IUPAC में फिर बिस्टिस, टेट्राकिस, बाइडेंटेट, एम्बिडेंटेट, अलग अलग तरीके सब कुछ बताता, बट उतना डिटेल में जाने का अभी फिलहाल स्कोप अपने पास नहीं है, और जरूरत भी नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, जरूरत नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है, जो अभी मैं आपको करा रहा हूँ वो उतना तो आपको नॉर्मल लेक्चर में भी शायद इतना नहीं समझ में आया होगा, ठीक है। न्यूट्रल में आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, आपको कैटायन एनायन का कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, जब न्यूट्रल है तो न्यूट्रल ही है ना। तो यहाँ पर हमने देख लिया IUPAC हमारे नेम्स, तो काफी सारे हमने IUPAC नेम्स यहाँ पर देख लिए, वो हमारे क्वेश्चंस IUPAC नेम के भी कवर। अच्छा यहाँ पर देखो मेरा चार्ज का क्वेश्चन भी कवर हो गया, ये तो आपको पता ही है ना, अभी आपने खुद कैलकुलेट किया Fe(CN6)4- में चार्ज कितना है आयन पे 2, अभी आपने खुद कैलकुलेट किया, ठीक है बच्चों, आई होप ये क्लियर है। इसके बाद हम लोग जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, तो रूल्स को आपको ध्यान नहीं देना है, मैं फिर से बता रहा हूँ, रूल्स को ध्यान नहीं देना है, ये जो टेबल मैंने आपके लिए यहाँ पर मार्क कर दिया बच्चों, उस टेबल को आपको लिखकर एक बार प्रैक्टिस कर लेना है आज का आज, तो आपका पूरा IUPAC आपका इनफैक्ट एक मेजर चंक ऑफ कोऑर्डिनेशन यहाँ पर खत्म हो जाए, ठीक है, आई होप ये क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट हम लोग आते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, नेक्स्ट हम लोग आते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ठीक है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का जो रूल है वो उन्होंने किसने दिया था, कौन सा साइंटिस्ट ने, सिडविक, किसने दिया था, सिडविक, आप देख सकते हो उनका नाम आपको यहाँ पर दिया हुआ है, सिडविक इलेक्ट्रॉनिक थियोरी भी दी थी इन्होंने, जैसे वर्नर ने अपनी थियोरी दी थी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की, वैसे सिडविक ने अपनी थियोरी दी थी, पर उन्होंने बोला कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होना चाहिए। अब वो क्या है, कैसा है, जरा समझ, ये
EAN rule states that a metal ion continues to accept electrons till it becomes close to the nearest noble gas. हर एलिमेंट चाहता है कि वो अपने सबसे नजदीकी नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन तक पहुंचे. बोलो हाँ कि ना. ये तो हर एलिमेंट चाहता है कि वो अपनी नियरेस्ट नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन तक पहुंच जाए. सीधी बात है. अच्छा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज इसमें आपको बता दूं, आपको ये बहुत मजा आएगा सुनने में और समझने में. ठीक है देखना, आपको ये लॉजिक, आपको क्वेश्चन आना चाहिए दिमाग में कि सर आप बोलते हो FeCN6 फोर माइनस एग्जिस्ट करता है, जिसमें आपने शुरुआत में, मैंने आपको सबसे पहले शुरुआत में क्या सिखाया कि मेटल एटम ये एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन. क्या बोला मैंने? आपके दिमाग में यह आना चाहिए कि सर बचपन से तो हम ये पढ़ते हैं मेटल्स आर गुड डोनर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो मेटल एक्सेप्ट क्यों कर रहा है? ये दिमाग में आना चाहिए सवाल. तो यहां पर इस सवाल का मैं आपको जवाब दूंगा तो आपको इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी भी समझ में आ जाएगी और आपको EAN यानी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बहुत प्यारा सा समझ में आएगा. ठीक है, अब यहां पर देखना, ये आयन बोलता है कि भाई मेरा ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है. तो आप कैसे कैलकुलेट करते थे? आयन प्लस 6 बार साइनाइड इक्वल टू माइनस 4, तो आयन प्लस 6 बार माइनस 1 इक्वल टू माइनस 4, तो आयन माइनस 6 इक्वल टू माइनस 4, तो आयन इक्वल टू प्लस. क्लियर है यहां तक सब बच्चों को? क्लियर है? बोलो हाँ कि ना. यस. अब मैं आपको जरा ले चलता हूँ डी ब्लॉक में. अभी मैंने आपको परसों ही डी ब्लॉक चैप्टर पढ़ाया, पूरा चैप्टर किया अपन ने डी ब्लॉक, उसमें मैंने आपको बताया था आयन का नंबर याद कराया. अब जिसको आयन का नंबर याद नहीं है वो क्या करेंगे? क्या बताया था मैंने? जो आयन का नंबर याद नहीं हुआ वो चुल्लू पर पानी लेके, मतलब तुरंत चुल्लू पर पानी लेके, डूब मत मरो, मुंह धो लो चुल्लू पर पानी, थोड़े फ्रेश हो जाओगे, आयन का नंबर याद. चलो देखो, आयन जो है 26 नंबर था. क्या था? 26. कॉन्फ़िगरेशन क्या थी बच्चों? 4s2 3d. क्या थी ट्रिक? क्या बताई थी? 26 है तो 3d6 याद आ रहा है. अब जो हम लोग इसके जो डब्बे बनाते हैं, डब्बे मतलब मैंने बता ना ऑर्बिटल्स बनाते हैं, मैं इसको डब्बे बोलता हूँ, डब्बे बना लो. अब बोलोगे सर बहुत ज्यादा डिटेल में जा रहे हो. हाँ डिटेल में जाना जरूरी है तभी समझ में आएगा, जहाँ डिटेल की जरूरत है वहां डिटेल करिए. ठीक है, चलो अब देखोगे बोलोगे ठीक है 4s2 ऐसा है 1 2 3 4 5 and 6, समझ में आया? बोलो हाँ. यस, आयन क्या बना था? Fe2+ बना था. क्या बना था? Fe2+. दो इलेक्ट्रॉन कहां से गए थे? आउटर मोस्ट शेल में से गए थे. बोलो हाँ कि ना. ये हुई ना बात. तो ये ये आपको यहां से गए, आप बोलो हाँ बराबर है. तो क्या इसमें 4p भी एग्जिस्ट कर रहा था? हाँ कि ना. वो खाली पड़ा हुआ था लेकिन एग्जिस्ट तो कर रहा था ना, क्योंकि फोर्थ शेल चालू हो चुकी है ना. खाली पड़ा है उसके जगह अवेलेबल है. तो जब 6 साइनाइड आए, क्या आए? 6 साइनाइड आए. 6 साइनाइड आपके बोले भाई हम लोन पेयर लेके आए हैं, क्या आपके पास खाली जगह अवेलेबल है? तो आयन ने बोला हाँ हमारे पास ढेर सारी खाली जगह है. समझ रहे हो? बच्चों और एट द सेम टाइम आयन के साथ क्या हुआ? ध्यान से देखो, साइनाइड आया, ये जितने भी सिंगल इलेक्ट्रॉन है, साइनाइड ने बोला एक काम करो हम 6 हैं, तुम्हारे पास कितने कंपार्टमेंट है फिलहाल? 1 2 3 4, 4 कंपार्टमेंट में हमारा काम नहीं होगा. क्यों? क्योंकि हम तो 6 साइनाइड, तो तुमको क्या करना पड़ेगा? थोड़ा एडजस्ट करना अपने ये जो इलेक्ट्रॉन है उनको, पेयरिंग करा, जगह खाली करो. हम क्या करेगा? जगह को खाली कराएगा. तो अब क्या हुआ? उसने जबरदस्ती जो सिंगल यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आप लोग को दिख रहे हैं उनकी क्या करा दी? पेयरिंग करा दी. बोलो हाँ कि ना. क्लियर? तो अभी 1 2 3 4 5 6 जगह पे साइनाइड अपने अपने लोन पेयर रखते हैं.
छह जगह पे क्या करेगा, साइनाइड, यहाँ पे 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 साइनाइड और यहाँ पे साइनाइड, छह जगह साइनाइड आए, साइनाइड अपने अपने लोन पैर लेकर आए। तो अब आप देखेंगे तो इसके पास, इसको मजे आ गए, सब कुछ पेयरिंग हो गई, आयन को मजे आ गए, तो आयन को स्टेबिलिटी मिली, बोलो हाँ कि ना। इतनी मेहनत क्यों करेगा आयन, क्यों वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेगा? इससे आपको कितना सारा लॉजिक समझ में आएगा कि अच्छा ये बॉन्ड जल्दी टूटता क्यों नहीं है, पानी में डालने पे क्यों नहीं डिसोसिएट हुआ, ये स्टेबल है, ये स्ट्रांग है, नहीं छोड़ेगा जल्दी। बात समझ में आ रही है सब लोगों को? यहाँ पे अपन कॉन्सेप्ट में जाते, देखो अच्छा लास्ट इफेक्टिव अटोमिक नंबर। आप बोलोगे सर ठीक है ये सारा समझ लिया, अभी इफेक्टिव अटोमिक नंबर कैसा निकालेंगे? तो ध्यान से देखना इफेक्टिव अटोमिक नंबर, अभी इसमें आयन का क्या है, पहले ये कंप्लीट कर लू एग्जांपल। इफेक्टिव अटोमिक नंबर ऑफ आयन इसमें क्या रहा बच्चों, अब ध्यान से देखना, आयन ने शुरू कितने इलेक्ट्रॉन से किया था, 26, बोलो हाँ कि ना। अच्छा उसने दो इलेक्ट्रॉन लूज किए थे 2+ बनने के लिए, तो दो इलेक्ट्रॉन कम किए, बोलो हाँ कि ना, ये भी बराबर है, 24 बचे, प्लस 6 साइनाइड आए, हर साइनाइड एक लोन पेयर लेके आया, तो कितने टोटल इलेक्ट्रॉन लेके आए, 12, 6 साइनाइड आए, हर एक साइनाइड एक लोन पेयर लाया, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन लाए, 12, टोटल नंबर बताओ कितना हुआ, 26 माइनस 2 प्लस 12 कितना हुआ, 34 हुआ, नहीं सॉरी 26 माइनस 2, 24 प्लस 12, 36 हुआ। क्या मैं बोल सकता हूँ 36 इज एक्चुअली द एटॉमिक नंबर ऑफ द क्लोजेस्ट नोबल गैस, दैट इज क्रिप्टॉन, पहुंच गया आयन क्लोजेस्ट नोबल गैस के पास, स्टेबल हो गया, तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आयन का बन गया 36, बन गया स्टेबल, इसीलिए उसने ये सारी कारीगरी की, समझ में आया। एक और एग्जांपल लेते हैं, अभी तुमको बहुत अच्छे से समझ में आया, देखो और वो Fe3+ भी रहेगा तो वो 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो उसका नंबर 35 होगा, तो एटलीस्ट 36 नहीं तो क्लोज टू 36 तो पहुंच जाएगा। अभी एग्जांपल मैं लेता हूं आपके, एक और एग्जांपल लेता हूं आपके इसमें IUPAC, इसमें क्या बोलते हैं क्वेश्चन बैंक में से क्वेश्चन, CONH3 6 times 3+, देखो CONH3 6 times, दोबारा मैं बता रहा हूं, मैं आपको ये बहुत अच्छी तरह बोल चुका हूं बच्चों, अगर आपको डी ब्लॉक के 3D सीरीज के नंबर याद नहीं है तो आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कुछ नहीं समझेगी, कुछ याद नहीं रही, फिर मेरे को आके ये मत बोलना सर हमको याद नहीं रहे। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? आप देख सकते हो खुद कि वो आपको ज्यादातर क्वेश्चन IUPAC पूछे या इफेक्टिव एटॉमिक नंबर पूछे, आपको 3D सीरीज के नाम और नंबर याद होने चाहिए, जो मैंने आपको पूरी शॉर्टकट के साथ सिखाए 21 से लेके 30 स्कैंडियम से लेके जिंक तक, आई होप ये सबको याद है। Yes? Okay. CONH3 6 times 3+, ये एग्जाम्पल नंबर 2, और यही हमारे क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन, ये समझ में आ रहा है क्या यश, आपको समझ में आ रहा है बेटा? अभी मेरे को ये बताओ सबसे पहली चीज, कोबाल्ट का नंबर क्या, 27, तो मेरा उसके अगर ऑर्बिटल डायग्राम बनाने का मेरे को है, ठीक है, मतलब ऑर्बिटल डायग्राम बोले तो ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन, तो कैसे बनाऊं, 3D7 बनाऊंगा, 4S2 बनाऊंगा और 4P खाली बनाऊंगा, 3D में यहाँ मैं 5 कंपार्टमेंट बना देता हूँ, यहां तक सभी लोगों को क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है, 3D7 बनाना है, 4S2 बनाना है, 4P खाली पड़ा हुआ, इलेक्ट्रॉन बनाए 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7, ये 2 और ये खाली, बोलो हाँ कि ना, क्लियर है? वेरी गुड।
सीओ सीओ जब 3+ बना, 3+ क्यों बना पूछो, 3+ क्यों बना, क्योंकि ये 3+ अमोनिया तो न्यूट्रल होता है, अमोनिया तो न्यूट्रल होता है, तो चार्ज जो है वो किसका है, अकेले कोबाल्ट का है, बोलो हाँ की ना, सीधी बात है, तो कोबाल्ट का तुम वैसे कर लो ना, CO plus 0 equal to plus 3, तो CO is equal to plus 3. तो तुम्हारे कहां से गए तीन इलेक्ट्रॉन, कहां से गए, 4s के दो गए और इसका इसका एक गया, बोलो हाँ, 3d का एक गया, कितना इजी है. अब क्या हुआ, सेम फंडा हुआ, अमोनिया आए, अमोनिया ने बोला भाई तुम अपनी पेयरिंग करके एडजस्टमेंट करो, हमारे लिए रूम खाली करो, जगह बना दो, तो अमोनिया ने इनकी पेयरिंग करा दी, तो तुम्हारे पास खाली हुए 6 रूम, 6 अमोनिया को रखने के लिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 रूम खाली हो गए, कितने इलेक्ट्रॉन लेके आया अमोनिया, 6 अमोनिया है, हर एक एक लोन पेयर लेके आए, तो 12 इलेक्ट्रॉन लेके आए, बोलो हाँ, तो इफेक्टिव अटोमिक नंबर ऑफ कोबाल्ट कितना हुआ बेटा, बताओ, 27 से उसने शुरू किया था, 3 इलेक्ट्रॉन उसने लूज किए थे और 12, तो क्या हुआ आंसर, 36, आंसर बताओ, 36, बोलो हाँ, कितना इजी, मजे आ रहे हैं, सबको बाउंसर तो नहीं जा रहा, अब एक ही सेशन में इतना इन डेप्थ अपन जाके कॉन्सेप्ट भी सीख रहे हैं और ये भी सीख रहे हैं, तो आई होप ये सबको समझ में आ रहा होगा, क्लियर है बच्चों ये, है ना, तो यहां पे हमारा हो गया इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का रूल. और एक एग्जांपल देख लो, और एक एग्जांपल देख लो आप, देखो कैलकुलेट इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ FeCN6 4-, मैंने आपको आंसर ऑलरेडी बता दिया, चेक कर लो, ये रहा आपका आंसर. तो मैंने इनडायरेक्टली आपको क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर कौन सा ये 5 भी सॉल्व करके दिया, और ये तो आपका MCQ है ही, आंसर क्लियर है, बोलो हाँ, बढ़िया बढ़िया, है ना. तो ये सारी चीजें आपको इस तरह से फोकस करके करनी है. अगेन आई एम सेइंग, इफ यू आर मार्किंग राइट नाउ इन योर टेक्स्ट बुक एज इट इज, इफ यू आर पेइंग अटेंशन टू व्हाट आई एम सेइंग, एंड यू जस्ट रीड द थिंग्स दैट यू हैव मार्क्ड प्रॉपर्ली, अंडरस्टैंड इट टुडे इटसेल्फ, यू विल बी डेफिनेटली गुड, यू आर गोइंग टू स्कोर इन दिस चैप्टर, ठीक है. तो ये हो गया हमारा क्या, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट, हमने एग्जाम्पल भी देखा. इन्होंने फालतू में आपको रूल वूल बना के दिए हुए, Z माइनस X प्लस आए, तो Z क्या था मुझे बताओ, Z क्या था, एटॉमिक नंबर था, माइनस X क्या था, जितने इलेक्ट्रॉन उसने लूज किए, बोलो हाँ कि ना, प्लस Y क्या था, जितने इलेक्ट्रॉन उसने गेन किए, बोलो हाँ कि ना. मैंने आयन में 26 से चालू किया, वो उसका एटॉमिक नंबर था, तो उसको उन लोगों ने कैसे रिप्रेजेंट किया, Z, फिर माइनस X, उसने दो इलेक्ट्रॉन लूज किए बराबर, और प्लस 12 यानी उसने 12 इलेक्ट्रॉन गेन किए, इसी तरह करना है आपको, बोलो हाँ कि ना, समझा कि नहीं समझा. आपको ये फॉर्मूला कोई नहीं पूछने वाला है, आपको आंसर किस तरह लाना है, मैंने आपको आंसर बता दिया, फॉर्मूला फॉर्मेट समझा दिया, कॉन्सेप्ट समझा, क्लियर. एग्जांपल देख लो, कंसीडर दिस कोबाल्ट, मैंने आपको अभी बताया बच्चों 27-3+12, देख सकते हो आप, है ना. नेक्स्ट पार्ट है चैप्टर का, दैट इज आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, दैट वी विल फिनिश टुमारो, ठीक है. टुमारो आल्सो आई विल बी टेकिंग अ लेक्चर, वी विल फिनिश ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, एंड वी विल आल्सो ट्राई टू फिनिश ऑफ एज मच पार्ट ऑफ द नेक्स्ट चैप्टर एज पॉसिबल टुमारो, इज दैट क्लियर, या.